एक लेटेस्ट प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक के पिक्सल में कि जो परचेजेस हैं वो थोड़ा डबल दिखा रहा है। जैसे आपके वेबसाइट पे एक परचेस आई है तो फेसबुक पिक्सल जो डेटा है वो डबल शो कर रहा है, यानी दो शो कर रहा है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आती रहती है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, मैंने भी देखा, मेरे भी जो मैं ऐड चला रहा हूँ उसमें परचेज एक है तो दिखा दो रहा है, परचेज पाँच है तो दिखा दस रहा है। तो इस हिसाब से काफ़ी गलत जो डेटा है वो फेसबुक के पास जाता है, और जो ऐड है वो डेटास के हिसाब से फेसबुक ऑप्टिमाइज करता। तो अगर रॉन्ग डेटा जाएगा तो रॉन्ग ऐड ऑप्टिमाइज होगी, इससे हमारे रिजल्ट में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो फिक्स कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी वेबसाइट शॉपिफाई पे हैं, जो पिक्सल आपका शॉपिफाई से कनेक्टेड है उस पे ज़्यादा केस में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे दो वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स पे है और एक शॉपिफाई पे है। तो जिस जो पिक्सल शॉपिफाई पे कनेक्टेड है उसका डेटा डबल दिखा रहा है, रॉन्ग रिपोर्टिंग है। और जो पिक्सल मेरे वू कॉमर्स पे कनेक्टेड है, वेबसाइट मेरी वू कॉमर्स पे, उसका पिक्सल सही दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी शॉपिफाई वालों के लिए जो एक एकमात्र सोल्यूशन आपको बताना चाहूँगा कि आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए सबको। आप शॉपिफाई के अंदर जाइए सेटिंग में, वो अकाउंट फेसबुक का डिस्कनेक्ट कर दीजिए और दोबारा से वापस से कनेक्ट करिए। ठीक है, चीज़ों को वापस से कनेक्ट करिए, सेम पिक्सल रहेगा कोई मैटर नहीं है। आप जाके वापस से फेसबुक मार्केटिंग को शॉपिफाई पे कनेक्ट करिए और एक बार कनेक्ट करके देखें तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। इनकेस मैं इसका देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई बेहतर सोल्यूशन मिलता है मैं आपको बताऊँगा। 90% केस में जो मैं बता रहा हूँ कि आप जब कनेक्ट करेंगे दोबारा से, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे और फेसबुक पिक्सल हेल्पर का उपयोग कर लीजिएगा देखने के लिए कि सही से काम कर रहा है नहीं, तो फिर वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है फेसबुक ऐड में, ऐड अकाउंट में, जो भी है, मैं फेसबुक ऐड की ट्रबल शूटिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का URL है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इधर शो भी कर रहा होगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं डेफिनेटली करूँगा। और फेसबुक ऐड की वीडियो देखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े रहने के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए, जो नई चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आ रही हैं उसके बारे में जानने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, थैंक यू।